नमस्कार, YouTube चैनल AnyUniverse22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओपन राइजर और ब्लाइंड राइजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस को जान लेने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि राइजर क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। राइजर एक रिजर्वायर होता है जो कास्टिंग के गेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और राइजर को फीडर हेड भी कहते हैं। जब मोल्ड कैविटी मोल्टन मेटल से भर जाती है तब एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल राइजर में चला जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, मेटल व उनके अलॉय को जब ठंडा किया जाता है तो वह श्रिंक हो जाते हैं, मतलब कि सिकुड़ जाते हैं, जिससे कास्टिंग में एक पार्शियल वैक्यूम बन जाता है। कह सकते हैं कि वॉल्यूम का रिडक्शन हो जाता है। पार्शियल वैक्यूम के कारण श्रिंकेज वॉइड बनते हैं, और जब ये श्रिंकेज वॉइड ग्रो करते हैं तो वो श्रिंकेज कैविटी बन जाते हैं। तो श्रिंकेज कैविटी बनने से कास्टिंग में एक श्रिंकेज नामक डिफेक्ट आ जाता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट से बचने के लिए राइजर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब मोल्ड कैविटी में जो मोल्टन मेटल है सॉलिडिफाई होता है, जो पार्शियल वैक्यूम बनता है या वॉल्यूम में रिडक्शन आता है, तो उसको फिल करने के लिए जो मोल्टन मेटल है वो राइजर से सीधा मोल्ड कैविटी में चला जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कास्टिंग में होने वाले श्रिंकेज डिफेक्ट को ख़त्म करने या कम करने के लिए राइजर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, राइजर के लिक्विड मेटल प्रेशर के अंडर जो कास्टिंग सॉलिडिफाई होती है वह पूरी तरह से साउंड होती है। अब बात करते हैं ओपन राइजर और ब्लाइंड राइजर के बीच में क्या डिफरेंस है। ओपन राइजर को टॉप राइजर कहते हैं, जबकि ब्लाइंड राइजर को साइड राइजर कहा जाता है। ओपन राइजर, जैसा कि अगर आप इस डायग्राम में देखें, मोल्ड कैविटी के अगर ये ऊपर लगा हुआ है जो एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में होता है, लेकिन जो ब्लाइंड राइजर है यह साइड में लगा होता है और यह ऊपर से क्लोज होता है, इसलिए यहाँ पर वेंट की व्यवस्था की जाती है। यह हम ब्लाइंड राइजर के केस में यूज़ करते हैं, जो वेंट होल होता है, क्योंकि इसलिए वेंट को प्रयोग करते हैं ताकि जो मोल्ड कैविटी में जो मेटल है, जो मोल्टन मेटल है, वह एटमॉस्फेयर के साथ कुछ एक्सपोजर उसका हो जाए। अगर ऐसा ना किया जाए तो राइजर के टॉप में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिससे राइजर से कास्टिंग तक लिक्विड मेटल की प्रॉपर फीडिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी ही एकमात्र फीडिंग फोर्स है। अगर लोकेशन की बात करें तो जो ओपन राइजर होता है यह मोल्डिंग बॉक्स का जो ऊपरी भाग, कोप जिसे कहते हैं, कोप के टॉप में कनेक्टेड होता है, या फिर पार्टिंग लाइन के साइड में भी हो सकता है। लेकिन कभी भी ओपन राइजर मोल्डिंग बॉक्स के जो निचले वाला पार्ट है, जिसे हम ड्रैग कहते हैं, वहाँ नहीं लगा होता। लेकिन जो ब्लाइंड राइजर है यह पार्टिंग लाइन पर भी हो सकता है, कोप पर भी हो सकता है, और ड्रैग पर भी लगा हो सकता है। तो कह सकते हैं कि इसकी लोकेशन तीनों जगह पे हो सकती है आवश्यकता अनुसार। उसके बाद शेप की बात करते हैं कि जो ओपन राइजर होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जबकि जो ब्लाइंड राइजर होते हैं वो राउंड कैविटी की तरह होता है, जिसके कारण स्लो कूलिंग रेट प्रोवाइड करने में मदद मिलती है, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट भी होती है। उसके बाद साइज़ की अगर बात करें, जो टॉप राइजर या ओपन राइजर है वो साइज़ में बड़ा होता है, लार्ज होता है, ब्लाइंड राइजर की तुलना में ब्लाइंड राइजर स्मॉल होता है। उसके बाद अगर बात करें कि इनको कास्टिंग की जो सॉलिडिफिकेशन है उसके कंप्लीट होने के बाद इनको इजीली रिमूव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। जब हमारा सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, कास्टिंग बन जाती है, तो उस दौरान कास्टिंग से राइजर, जो टॉप राइजर है, उसको रिमूव करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ब्लाइंड राइजर को ईज़िली रिमूव किया जा सकता है। टॉप राइजर को बनाना या मोल्ड करना आसान रहता है, लेकिन ब्लाइंड राइजर को बनाना या मोल्ड करना मुश्किल काम है। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमने बात की थी कि जो राइजर होता है वो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को भी प्रमोट करता है, लेकिन टॉप राइजर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं करता, कह सकते हैं कि बढ़िया नहीं प्रोवाइड करता। लेकिन जो ब्लाइंड राइजर होता है वह ओपन राइजर के मुकाबले बढ़िया डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद जैसा कि हमें पता है कि जो ओपन राइजर है वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में होता है, तो मोल्ड के कंप्लीट फिलिंग के बाद राइजर के टॉप पोर्शन पर तुरंत ही सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि रेडिएशन के कारण एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हीट का लॉस होता है, इसलिए इंसुलेटिंग और एक्सोथर्मिक कंपाउंड के प्रयोग को भी इसमें रिकमेंड किया जाता है। लेकिन जो ब्लाइंड राइजर होता है उसकी सभी साइड्स में मोल्डिंग सैंड होने के कारण राइजर के अंदर का मोल्टन मेटल धीरे धीरे ठंडा होता है, जो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट भी रहता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की ओपन राइजर और ब्लाइंड राइजर के बीच में
क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।